हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और कल से आप लोगों को सुपर टेट से रिलेटेड भी वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगी। जो प्राइमरी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, बीएड, बीटीसी, डीएलएड कर रखे हैं, उनको भी वीडियो वहां पर मिलना शुरू हो जाएंगे। जो भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं 500 रुपीज का पेमेंट करके पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्कॉट गामक योग्यता परीक्षण बैटरी के मद कौन से हैं? बास्केटबॉल फेंकना है, बाधा दौड़ है, दीवार पास है, या फिर डी ऑप्शन है ए व बी दोनों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन इस बार टीजीटी में कई पूछे गए थे, तो ध्यान रखिएगा एलटी ग्रेड या टीजीटी जो भी वैकेंसी आपको मिलेगी देखने के लिए जून तक कोई ना कोई वैकेंसी अवश्य आएगी, क्योंकि चुनाव आचार संहिता की वजह से रुक गई है, क्योंकि सभी वैकेंसीज का अधियाचन लिया जा चुका, सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन आना था। इसलिए तैयारी जारी रखिएगा। अभी अगर वैकेंसी नहीं आई है तो 2 से 3 महीने के बाद आपको वैकेंसी मिलेगी, तो इसलिए तैयारी जारी रखेंगे तो आपका ही फायदा रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों, डी ऑप्शन सही होता है, राइट आंसर हो जाएगा डी, उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। स्किन फोल्ड कैलिपर मापता है, जो स्किन फोल्ड कैलिपर है या किस चीज को मापता है, कई बार क्वेश्चन कराया गया है। शरीर की चर्बी को मेजर करता है, शरीर की ऊंचाई को मेजर करता है, शरीर का भार, या फिर डी ऑप्शन है शरीर का श्वसन। क्वेश्चन नंबर 22 आंसर आप लोग टिक करेंगे। 20 में से आप लोग बताइएगा कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी आपको जल्द ही प्रोवाइड किया जाएगा। राइट आंसर आपको बताना है 22 का क्या हो सकता है। स्किन फोल्ड कैलिपर मापता है शरीर की चर्बी, ए ऑप्शन से रिलेट करेगा, ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 मिनट दौड़ या चाल कूपर टेस्ट किस क्षमता का मूल्यांकन करता है? यह किस क्षमता का मूल्यांकन करता है? सहन शक्ति का मूल्यांकन करता है, शक्ति एवं सहन शक्ति का मूल्यांकन करता है, गति सहन शक्ति, या फिर शक्ति क्षमता का मूल्यांकन करता है। 23 नंबर में आंसर आप लोग अटेम्प्ट करिएगा। और इसके पहले के वीडियोस के लिए यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर। आप फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जो भी वीडियो देखना चाहते हैं वहां से देख सकते हैं। 23 का आंसर किसी का गलत नहीं होना चाहिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? शक्ति एवं सहन शक्ति या फिर गति सहन शक्ति। राइट आंसर जिन भी स्टूडेंट्स ने बी अटेम्प्ट किया है उन सभी का उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है शरीर का मोटापा मापने के यंत्र कौन से हैं? यानी इसमें से आपको बताना है जो कौन सा यंत्र है जो शरीर के मोटापे से रिलेट करता है। एंथ्रोपोमीटर होगा, स्किन फोल्ड मीटर होगा, या फिर ए व बी दोनों और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 शरीर का मोटापा मापने का यंत्र बताना है आपको। राइट आंसर यहां पे कौन सा हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में प्रोवाइड किया गया, स्किन फोल्ड मीटर हो जाता है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्यक्ति की लंबाई के मापन का उपकरण है। अब व्यक्ति की लंबाई के मापन का उपकरण क्या है? वर्नियर स्केल है, वेइंग स्केल है, स्टेडियोमीटर है, या फिर डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो डी ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, उसी के बाद आंसर को अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि आपको बताया जाता है कि 90% डी ऑप्शन सही होता है। तो क्वेश्चन अच्छे से रीड करिए, उसी के बाद आंसर अटेम्प्ट करिएगा अपना। 1/3 एलटी ग्रेड में माइनस मार्किंग है। अभी तक के जो भी विज्ञप्ति के अनुसार एग्जाम हुआ है, एक एग्जाम आयोग के द्वारा कंडक्ट कराया गया था 2018 में, तो उसके अकॉर्डिंग 1/3 की माइनस मार्किंग है।
आगे जो भी प्रोसेस होगा, अगर वही प्रोसेस होता है तो माइनस मार्किंग रहेगी, अगर जो भी प्रोसेस होगा वो आपको बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 राइट आंसर आप लोग बताएंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा 25 स्टेडियोमीटर। बहुत अच्छे से आप लोग आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं, बस इसी कंटिन्यूटी को बनाए रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, स्टेडियोमीटर का प्रयोग किसकी माप के लिए करते हैं, किसकी माप के लिए स्टेडियोमीटर का प्रयोग करते हैं? वजन, मोटापा, शरीर के विभिन्न हिस्सों की परिधि या फिर ऊंचाई? 26 बताइएगा। तो ये किससे संबंधित है? ऊंचाई से रिलेट करेगा। स्टेडियोमीटर का प्रयोग ऊंचाई के माप के लिए करते हैं। डी उत्तर इसमें क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, शरीर में वसा की मात्रा का अनुमान लगाने हैं तो किस यंत्र का उपयोग किया जाता, कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता? फ्लेक्सोमीटर का उपयोग किया जाता है, गोनियोमीटर का उपयोग किया जाता है, स्किन फोल्ड कैलिपर का प्रयोग किया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? नवोदय विद्यालय संगठन जो NVS होता है, एग्जाम TGT का PTI से रिलेटेड, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। सी ऑप्शन स्किन फोल्ड कैलिपर राइट आंसर के साथ में रिलेट करेगा, सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ECG सूचक है या किस चीज का सूचक है? इलेक्ट्रोचार्जिंग ग्राफ का सूचक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का सूचक है, इलेक्ट्रो एनसेक्लोग्राफी का, या फिर इनमें से सभी का सूचक है? बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। 9621819209 जो भी पेड ग्रुप ज्वाइन करने जाते हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, फिजिकल एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपके साथी हो अगर एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग 500 रुपीज का पेमेंट करके वहां पे कुछ प्राप्त कर सकते हैं। डेली आपको वहां पे कुछ मिलेगा, जो सब्जेक्ट्स आपका सिलेबस में दिए हुए उन सब्जेक्ट्स को कवर किया जाएगा। राइट आंसर बताइएगा 28 का, फिजिकल एजुकेशन का बैच चल रहा है, जो भी वहां जुड़ना चाहते हैं फिजिकल एजुकेशन का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। ECG का राइट आंसर क्या रिलेट कर जाएगा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से रिलेट करेगा, बी ऑप्शन सही आंसर होता है, बी उत्तर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, रक्त दाब को मापने के यंत्र कौन सा है? रक्त दाब किससे रिलेट करेगा? सिस्टोलिक स्फिग्नोमैग्नोमीटर या फिर मैनोमीटर? डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। रक्त दाब ये आपका फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्फिग्नोमैग्नोमीटर से रिलेट करता है, बी ऑप्शन इसमें सही है, राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, फिजिकल फिटनेस कितने प्रकार का होता है? टाइप्स आपको बताने हैं, ऑप्शन देखिएगा आपके स्क्रीन पर है कौन सा उत्तर सही होता है। LT ग्रेड में GS से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं 30 और फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं 120। 150 में से अभी तक का जो था सिस्टम 40% मार्क्स लाना अनिवार्य था आपको, लेकिन जब आप 40% मार्क्स यानी 60 नंबर लेके आएंगे प्लस में, तब जाके आप पास होंगे। जब पास हो जाएंगे उसके बाद आपकी मेरिट का निर्धारण होगा, जब मेरिट में आप होंगे तब आपका सिलेक्शन होगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, माइनस मार्किंग में विशेष आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ए ऑप्शन इसमें क्या है, सही आंसर है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र आपको बताना है, तो ये आपका सी ऑप्शन से रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, 32 नंबर का क्वेश्चन, डायनमोमीटर का संक्षिप्त रूप क्या है? जो डायनमोमीटर है इसका संक्षिप्त रूप आपको बताना है, डेमो है, डायना है, डायनो, या फिर इनमें से सभी यानी उपर्युक्त सभी है? डायनमोमीटर का संक्षिप्त रूप बताइएगा, सही आंसर आपका क्या हो सकता है। और एक क्वेश्चन TGT में 4 मार्क्स का होता है, और जबकि आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का LT ग्रेड में है। क्वेश्चन नंबर 32 सही आंसर हो जाएगा, डायनो के साथ में रिलेट करेगा क्या, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 33, डायनमोमीटर यंत्र
किसी व्यक्ति की शक्ति मापन का कार्य करता है। इस यंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? बताइए, रूस में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, अमेरिका में या फिर जर्मनी में? डायनमोमीटर यंत्र जो है किसी व्यक्ति की शक्ति मापन का क्या करता है? कार्य करता है। इस यंत्र का प्रयोग बताना है सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो जर्मनी के साथ में क्या होगा, गलत हो जाएगा। इंग्लैंड भी ना टिक लगाइएगा, अमेरिका इसका सही आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार ध्यान रखिएगा, अमेरिका से लिए गए हैं, आपके एलटी ग्रेड जीएस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोनियोमीटर का क्या मापने में प्रयुक्त होता है? गोनियोमीटर का जो यूज किया जाता है किसके मेजरमेंट में किया जाता है? लचीलापन, पकड़ शक्ति, चाल की गति या फिर हाथ की शक्ति? बात की गई है गोनियोमीटर की, आंसर हो जाएगा यहां पे लचीलापन। यहां पे क्या है, सही आंसर है, ए उत्तर राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, स्पाइरोमीटर जो है किसके मापन के लिए प्रयोग होता है? जो स्पाइरोमीटर या किसके मापन के लिए प्रयोग होता है बताइएगा। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा कौन सा उत्तर सही होता है। हृदय की क्षमता होगा, ग्रिप की क्षमता, पेट की मांसपेशीय क्षमता या फिर फेफड़ों की क्षमता? तो पढ़ने से ही आपको आंसर मिल गया होगा, डी ऑप्शन, फेफड़ों की क्षमता, डी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, सहन शक्ति परीक्षण के लिए प्रयोग होता है, वर्टिकल जंप प्रयोग होता है, लाई डिटेक्टर प्रयोग होता है, ट्रेडमिल प्रयुक्त होता है या फिर इनमें से सभी प्रयुक्त होते हैं? सहन शक्ति परीक्षण के लिए प्रयोग होता है तो ये ट्रेडमिल प्रयुक्त होता है, सी ऑप्शन यहां पे क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, 37 है, किसी टेस्ट के चयन के लिए क्या मानदंड आवश्यक है? वैज्ञानिक प्रामाणिकता, प्रशासनिक दृष्टिकोण से उपयुक्त हो, शैक्षणिक प्रयोग हो या फिर डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी? किसी टेस्ट के चयन के लिए क्या मानदंड आवश्यक हैं? 37 में तो ये आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक प्रामाणिकता भी, प्रशासनिक दृष्टिकोण से उपयुक्त हो और एक ऑप्शन दिया हुआ शैक्षणिक प्रयोग, यानी डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी से रिलेट करेगा, डी उत्तर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, 38 नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप क्या है? डिग्री सेल्सियस में बताना है कि क्या इसका टेम्परेचर होता है ह्यूमंस का। मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। एक क्वेश्चन आपके बताना है, कौन सी वैल्यू है जिस पे डिग्री और फारेनहाइट दोनों का तापमान इक्वल रहता है? जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन हो जाएगा, फारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फारेनहाइट, कहीं कहीं पे 98.4 भी दिया होता है, ध्यान रखिएगा। अगर दोनों ऑप्शन होंगे तो 98.6 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, अच्छे परीक्षण का क्या लक्षण है? जो अच्छे परीक्षण है इसका क्या लक्षण है यह बताइएगा। विश्वसनीयता है, वैधता है, वस्तुनिष्ठता या फिर उपर्युक्त सभी है? सुपर टेट के लिए जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, 500 रुपीज का पेमेंट इसी नंबर पे आपको करना होगा, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी दूसरे के द्वारा भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, उपयुक्त सभी यानी विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता सभी के साथ में रिलेट करेगा। नेक्स्ट आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, क्या परीक्षणों द्वारा खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है? इसमें क्या होगा, ए ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा, ए उत्तर राइट हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन।
वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसके पहले के वीडियोज अगर आपने नहीं देखे तो यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर। एलटी ग्रेड जीएस से रिलेटेड भी अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में देखिएगा, वहां पे आपको वो वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो नए वीडियो में मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, आपको एग्जाम में सफलता अवश्य प्राप्त होगी।